हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फो अबाउट आल गवर्नमेंट जॉब्स। गल करते हैं पंजाब गवर्नमेंट दे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर विभाग में निकलिया हुई पोस्टर्स बारे। इन्हों पोस्टर की वाक एंड इंटरव्यू है, जिसकी लास्ट डेट 27/9/2020 शाम 4 बजे तक है। ये पोस्टा मेडिकल ऑफिसर स्पेशलिस्टी पोस्टर्स ने, जिन्हों की सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई होएगा। जी वैबसाइट है pbhealth.gov.in है। ये वैबसाइट का जिहड़ा लिंक है, ऑनलाइन अप्लाई करने वाला जिहड़ा लिंक है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन दे विच दे देंगे। उस लिंक तो तुसी पोस्टर्स अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करन दे समय तुसी अपना जिहड़ा मोबाइल नंबर दोगे, उस मोबाइल नंबर के उपर इंटरव्यू की मिति, इंटरव्यू का स्थान, तो इंटरव्यू का समा SMS राही दिता जाएगा। तो नाल ही दी वैबसाइट के उपर भी यह नोटिफिकेशन पा दिता जाएगा कि कदों टैसट है, कि जगह पर टैसट हैगा। मतलब कि वाक इन इंटरव्यू है, टेस्ट नहीं होएगा इसका। ठीक है, गल कर लें मेडिकल ऑफिसर स्पेशलिस्ट दिया पोस्टर्स दी पे स्केल ते गिनती बारे। टोटल पोस्टर्स 40 ने, लास्ट डेट 27/9/4 बजे तक है। ठीक है, गल करते हैं पे स्केल दी। पे स्केल जिहड़ा रहेगा 7th सेंट्रल पे कमीशन है, उसके अकॉर्डिंग 56,100 रुपया तनखा होएगी, लैवल 10 होएगा। क्वालिफिकेशन की होनी चाहिए है, MBBS की डिग्री होनी चाहिए है, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी डिग्री होल्डिंग ए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन रिक्वेजिट स्पेशलिस्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो रजिस्टर होना चाहिए यह पंजाब मेडिकल काउंसिल नाल जा एनी अदर ड्यूली कंस्टीट्यूटेड मेडिकल काउंसिल इंडिया नाल। ठीक है, वाक इन इंटरव्यू है जी एज पर अबव शड्यूल होएगी। मतलब कि दसया जाऊगा थोनू इंटरव्यू वेले तुसी की करना है। जिहड़ा परफार्म हैगा वह वैबसाइट के उपर दिता होया, जो अप्लाई करोगे तुसी वह वाला परफार्मा कढ़ के नाल दो पासपोर्ट साइज दियां फोटोग्राफ्स लैके आना है। जिहड़ा टाइम अते समा स्थान थोनू SMS दे थ्रू दिता जाएगा, वह वाले स्थान ते तुसी आना है। कैंडीडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन। ठीक है, थोनू पहला ही दस चुके हैं भी एप्लीकेशन फॉर्म है जिहड़ा ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करन तो बाद एप्लीकेशन परफॉर्मा कढ़ना है, कढ़ के डॉक्यूमेंट्स नाल लगाने है। डॉक्यूमेंट्स जेडे लगाओगे तुसी वो सैल्फ अटेस्टड होने चाहिए है, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी नाल लेके जाने हैं। ठीक है, अगर अप्लाई करने वेले कोई दिक्कत आती है या प्रिंट कढ़ने वेले कोई दिक्कत आती है, अपना एक चैनल बनया टैग गुरु नाम का। ठीक है, वो चैनल पर वीडियो देखते हो, वीडियो कमेंट जरूर कर दौ जिथे अप्लाई करने दिक्कत आती है, ता कि आप जी परेशानी है दूर कर सकी। ठीक है, अगर चैनल पर नवे हो चैनल सबसक्राइब जरूर कर लियो, बैल आइकन भी प्रेस कर लियो, ता कि कोई भी जी गवर्नमेंट जॉब आती है तो वह नोटिफिकेशन थोड़े को सब तो पहला पहुँचे। ठीक है, तो नाल ही आप करना है टैग गुरु का चैनल भी सबसक्राइब करना, बैल आइकन भी प्रेस करना है। ठीक है, ता कि टैक्नीकल वीडियो कोई भी पैंती है तो वीडियो अपने कोले पहुँच सके। ठीक है, गल कर लेने फीस की। जी जनरल कैटेगरी वो 1000 फीस होएगी, शड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लास की है जी 600 रुपए की होएगी। फीस किवें भरनी है, फीस आप DD के थ्रू भरनी है, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना। मिशन डायरैक्टर नैशनल हेल्थ मिशन पंजाब दे फेवर दे विच जी पेएबल एट चंडीगढ़ होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड एज पर मैंशन अबव। ये तो पता ही है, तो हमें भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी तो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए है। द कैंडीडेट मस्ट हैव अ ट्रेन रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन बिफोर द डेट ऑफ वाक इन इंटरव्यू। जी पंजाबी की नॉलेज है 10वीं तक की होनी लाजमी है। ठीक है, अगर नहीं हैगी तो जो तुम सिलेक्ट होंगे हो, सिलेक्ट होने तो बाद 6 महीनों के बिच जी क्वालिफिकेशन है पंजाबी की वो पास करनी जरूरी है। उम्र है जी 18 से 37 साल होनी चाहिए है, January 2020 तक। रिलैक्सेशन है जी SC/BC 5 साल की है, फिजिकल हैंडीकैप्ट 10 साल की है, कैटेगरी एक्स सर्विसमैन रिलैक्सेशन होगी एज अवल फॉलोज। रिजर्वेशन है जी SC/BC या BC है विमुक्त जाति है जा कोई होर है, वह कैटेगरी के अकॉर्डिंग होएगी। ठीक है, हुण गल कर लेने भी इट इज़ मैंडेटरी फॉर आल टू ब्रिंग द, हाँ मैं पहले ही दस चुकिया थोनू भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट तुम लैके जाने हैं। TA/DA कुछ नहीं मिलेगा थानू, तो तुम अपने को ही पैसे लगाओगे। ठीक है, वह कोई रीइंबर्समेंट वगैरह नहीं है।
कैंडीडेट मस्ट ब्रिंग अटैम्प्ट सर्टिफिकेट, सारे सर्टिफिकेट MBBS दे MD दे SD दे नाल लेके जाने हैं। अगर कैंडीडेट कोई सर्टिफिकेट नहीं लेके आता जां तीजी अटैम्प्ट विच MBBS करता है तां उहदे 8 मार्क्स है जिहड़े कट्टे जाणगे, ठीक है। अगर थर्ड अटैम्प्ट च MD MS जां DNB कीती है तां 20 मार्क डिडक्ट होणगे। कैंडीडेट है जिहड़ा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आऊगा आपदे कोले, ठीक है। अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसकी इंटरव्यू पॉसिबल नहीं है, इंटरव्यू नहीं होएगी उसकी। एक्सपीरियंस है जेड़े वो भी नाल लेके आने हैं, वो कंसीडर किए जाएंगे। हुण क्राइटेरिया की गल कर लेने, सिलेक्शन का की क्राइटेरिया होएगा। अगर MBBS की है तो 20% मार्क्स होंगे ऑब्टेन्ड मार्क्स का, 20 नंबर के होंगे मैक्सीम मार्क्स। अगर सैकेंड अटैम्प्ट MBBS की है तो 4 नंबर कट्टे जाएंगे। अगर थर्ड अटैम्प्ट MBBS की है तो 8 नंबर कट्टे जाएंगे। MDMS के टोटल 65 मार्क्स ने। अगर MD या MS सैकेंड अटैम्प्ट की है तो 10 मार्क कट्टे जाएंगे। थर्ड अटैम्प्ट की है या होर इस तो उपर ज़्यादा अटैम्प्ट MDA या MS की है तो 20 मार्क्स डिडक्ट होंगे कट्टे जाएंगे। अगर कोई ये थोड़े लिए वधिया है, प्रेफरेबल है, बेस्ट है, किसी ने गोल्ड मैडलिस्ट की है जा फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन कंसर्न पोस्ट ग्रैजुएट सब्जेक्ट की है तो 5 मार्क्स ने गे, इस नंबर का तुम फायदा ले सकते हो। एक्सपीरियंस के मार्क 5 हो गए। सीनियर रेजीडेंसी के 3 साल का किया तो 5 मार्क ने, पूरे दे पूरे मार्क्स है, 5 तो वध मार्क्स नहीं है एक्सपीरियंस के। 2 साल का किया तो 3 मार्क्स ने, 1 साल का किया तो 1 मार्क है। एक्सपीरियंस है जिहड़ा MSI रिकॉगनाइज इंस्टीट्यूट का होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन रिकॉगनाइज फॉर DNB होना चाहिए। एक्सपीरियंस है जिहड़ा 50 बैडड प्राइवेट होस्पिटल का होना चाहिए है। 1 साल का 1 मार्क है, 5 साल के 5 मार्क मैक्सीम, 3 साल के 5 मार्क्स ने, ठीक है। हुण गल करते हैं कैंडीडेट्स हू स्कोर 50% और मार्क्स इन ईच। अगर 50% कैंडीडेट मार्क्स ले लैंदा जां इस दे उपर लैंदा क्वालिफिकेशन ते इंटरव्यू दे विच तां ओह फाइनल मैरिट दे लई एलिजिबल है। मार्क्स फॉर इंटरव्यू विल बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स, जिहड़े इंटरव्यू दे मार्क्स ने इन्हां पॉइंटां दे आधार ते होणगे। क्लीनिकल नॉलेज होनी चाहिए है सब्जेक्ट की, कम्युनिकेशन स्किल वधिया होनी चाहिए है, रीसेंट एडवांस होनी चाहिए सब्जेक्ट के विषय के, असैसमेंट होनी चाहिए अकैडमिक स्ट्रेंथ की, एक्सट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, एक्सट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कोई भी हो सकती है बंदे दी, ठीक है जी। कैंडीडेट्स ने जेडे एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करके फुली फिल्ड एप्लीकेशन अलोंग विद सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ द ईच डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि अप्लाई करोगे, अप्लाई करन तो बाद एप्लीकेशन परफार्मा कढ़ोगे, एप्लीकेशन परफार्मा कढ़ के उन्हों अटैस्ट करके उदे नाल सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट्स लगा के प्लस 2 पासपोर्ट साइज दियां फोटोआं रखोगे आपदे कोले, ते SMS आएगा, सोनू मैसेज आएगा रजिस्टर्ड मोबाइल के उपर जिहड़ा मोबाइल तुसीं ऑनलाइन अप्लाई करन वेले भरिया, ठीक है। एप्लीकेशन परफार्मा किवें फिल करना है, किवें कढ़ना है, ठीक है, उहदे लई मैं सोनू पहले ही दस चुकिया भी अपना एक चैनल है टैग गुरु नाम का, ठीक है। इस वीडियो च कमेंट करो अगर तुहानू कोई दिक्कत आ रही है अप्लाई करन वेले, तां आपां ओह दिक्कत नू तुहाडी नू दूर करांगे। चैनल नू अपने नू सबसक्राइब जरूर कर लो, बैल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि जिहड़ियां वीडियोज़ ने जां होर पोस्ट ने उहनां दी जानकारी तुहानू सब तो पहला मिले, ठीक है। अगर चैनल ते नवे हो तो चैनल नू सबसक्राइब जरूर करो, बैल आइकन भी प्रेस करो, अपने यारां दोस्तां मित्रां दे विच भी इहनू शेयर करो ताकि किसी का भला हो सके, ठीक है। अपने चैनल ते होर कई वीडियोज़ पईआं ने, चैनल ते विजिट करके चैक करो किहड़ी पोस्ट तुहाडे लई एलिजिबिलिटी बनती है, तुसीं किसे किस पोस्ट दे उपर लग सकते हो, ठीक है। होर नवीआं पोस्टां दे लई लेके हाजिर होवांगे, तद तक दे लई बी सेफ स्टे कनैक्टड। अपने टैलीग्राम के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के दे दें, उतों टैलीग्राम भी ज्वाइन कर लियो। वट्सएप के ग्रुप बने हुए हैं, अपने वट्सएप ग्रुपां दे लिंक दे देंगे, उन्होंने किसी ग्रुप में ज्वाइन कर लो, ठीक है जी। फेसबुक का पेज है, फेसबुक के पेज से लागे उन्होंने फॉलो कर लो। ट्विटर का अकाउंट भी है अपना, इंस्टाग्राम भी है, काफ़ी अकाउंट्स ने गए अपने, जिन्हें तुम कर सकते हो कर लो, क्योंकि मटीरियल वगैरह जो आप प्रोवाइड करना है तो वो ईजी हो सके, ठीक है जी। बी सेफ स्टे कनैक्टड, मिलते हैं एक होर नवी पोस्ट के नाल।